दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राजन इकबाल और लंगड़ा कंकाल। ये राजन इकबाल की कॉमिक्स है, एक्शन और जासूसी होती है इनकी, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। राजन इकबाल और लंगड़ा कंकाल। 28 अगस्त सन 1771, वास्को शहर में खासी चहल पहल थी। कहीं पहुंचने की जल्दी थी जॉन और उसकी पत्नी जूलिया को। जल्दी चलो कोचवान जी साहब। वास्को बंदरगाह पर आ पहुंचे दोनों। वी जल्दी करो जूलिया, वक्त हो गया, चलो। पति से दूर जाते वक्त नेत्र छलक आए जूलिया के। अपना ख्याल रखना जूलिया और मारिया का भी। जॉन सुबह अपनी बीमार माँ से मिलने होनोलुलु जा रही थी जूलिया। बच्ची मारिया भी सुबह रही थी। डैडी आप भी हमारे साथ चलिए सुबह, मैं फिर आऊंगा मेरी बच्ची। वापस चल पड़ा जॉन। फ्लावर कंपाउंड चलो जी। फ्लावर कंपाउंड में रहता था वो। फिर अभी घोड़ा गाड़ी को चले ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था कि एक तीव्र गड़गड़ाहट की छुन चौक उठा जॉन। वास्कोवासी घरों से बाहर आ गए। उफ नहीं, उफ, कान के पर्दे फट जाएंगे, कैसा शोर है। वैसे कांप रहे थे लोग, तभी तीव्र गर्जना के साथ बिल्डिंगें गिरने लगी। धड़ोम गुड़म पड़ोम। जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों को भागने लगे लोग। बचाओ, भागो, आह। तीव्र भूकंप की चपेट में आ गया था वास्को द्वीप। उधर जॉन की घोड़ा गाड़ी ने एक तेज उछाल भरी। उफ आह, एक चट्टान से जा टकराए जॉन। आह, ठीक इसी वक्त ढेरों मलबा भी आ पड़ा उस पर। जीते जी कब्र में कैद होकर रह गया जॉन। वास्को की खूबसूरती मारते मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। अंतिम इंच के लिए उसने मौत से पराजित हो गया। वो पूरा वास्को द्वीप शमशान बन गया। बड़ा मनहूस दिन साबित हुआ 28 अगस्त वास्को वासियों के लिए। सैकड़ों लोग मौत की नींद सो गए फिर कभी न जागने के लिए। जहाज के गेट पर जूलिया। क्या हुआ मिस्टर विक्टर, ये शोर कैसा। गुड़ गुड़, वास्को द्वीप में भूकंप आया है। नहीं, उफ, शमशान में बदल गया वास्को। जॉन, चित्कार कर उठी जूलिया। मुझे वास्को पहुंचाइए मिस्टर विक्टर। वहां मौत के सिवा कुछ नहीं बचा मिसेज जूलिया। उफ, उफनते समुन्द्र में कूद पड़ी जूलिया। मैं आ रही हूं जॉन। हाय, चीख पड़ा विक्टर। डिसूजा पकड़ो इस पागल लड़की को। यस सर। हफ हफ, उफनते समुन्द्र में छलावे की मानिंद कूद पड़ा गोताखोर डिसूजा। छपाक, थककर चूर हो चुकी थी जूलिया कि एक तेज लहर ने छपाक उफ तिनके की तरह उछाल फेंका उसे। ठीक इसी वक्त एक कुशल क्रिकेटर की तरह उसे लपक लिया डिसूजा ने। छपाक, थोड़ी देर बाद जहाज पर। उफ, खत्म। मम्मी, जूलिया की धड़कनें थम गई थी हमेशा के लिए। मासूम मारिया का करदन सुन। मेरी मम्मी को क्या हुआ अंकल। कुछ नहीं माई चाइल्ड, दिल रो उठा विक्टर का। एक उचित निर्णय का वक्त था ये विक्टर के लिए। मेरी मम्मी को उठाई अंकल, इस बच्ची की परवरिश मुझे करनी होगी, ईश्वर को भी शायद यही मंजूर है। जहाज पुनः चल पड़ा। सभी के दिल धड़क रहे थे, समुद्री लहरें भी तूफानी वेग से उछल रही थी। जूलिया की मौत का मातम मना रही थी शायद। वक्त का मरहम हर घाव को भर देता, किंतु यादों के घाव कभी नहीं भरते। वास्को वासियों की याद में शोक सभा संपन्न। यह समाचार पढ़ा इकबाल। हाँ यार, सुना वास्को आज भी जन सुनने है। सन 1971 की 28 अगस्त, वास्को की घटना को 200 साल हो चुके थे। इस खबर ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दिया इकबाल। तुम्हारी जिज्ञासा वास्को पहुंचकर ही शांत हो सकती है राजन। कमिश्नर अंकल से वास्को जाने की इजाजत मांगी दोनों ने। ठीक है, किंतु हाथ में कुछ हासिल नहीं होगा राजन इकबाल, अंकल प्लीज जाने दीजिए ने। जिद के आगे हथियार डाल दिए कमिश्नर अंकल ने। ओके, मैं बंदोबस्त करता हूँ।
अगली सुबह वास्को की ओर उड़ रहे थे दोनों। वो दूर अब वास्को नजर आ रहा राजन, काफी हरा भरा टापू है। सिगरी वास्को के ऊपर मंडरा रहा था हेलीकॉप्टर। जमीन उबड़ खाबड़ है, हम नीचे नहीं उतर सकते मिस्टर राजन। ओह क्या करे, ओके हम पैराशूट से उतरते हैं, जरूरत होगी तुम्हें बुला लेंगे। अगले पल हेलीकॉप्टर से कूद पड़े दोनों। नीचे अजीब सन्नाटा है। वो देखो राजन, बड़ा खौफनाक मंजर था। आंखें वैसे बार को बुल पड़ी राजन की, गले सड़े सैकड़ों नरकंकाल छितराए हुए थे वास्को की उबड़ खाबड़ धरती पर। एक आंख एक जंगली बिल्ली झपटी इकबाल पर। ओह मैं आऊं दो, जंगली बिल्ली ने झिंझोड़ कर रख दिया इकबाल को। आह राजन मैं आऊं, उफ क्या बुला है, चित्कार कर उठा इकबाल। फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला राजन ने, लेकिन निशाना चूकने का था राजन की मौत। मैं आऊं हफ, इकबाल को उत्साहित किया राजन ने। इकबाल हिम्मत से काम लो इकबाल, पूरी ताकत बटोरी इकबाल ने। फिर बिल्ली को परे उछाल दिया। मैं आऊं, 20 फुट ऊपर उछलती चली गई वह बिल्ली। फिर ट्रिगर दबाती चली गई राजन की उंगली। धोए मैं आऊं ले मर, खून से लथपथ जमीन पर आ गिरी वह बला। दहशत से लरज रहा था इकबाल। राजन चलो यहां से, डरो मत इकबाल, बिल्ली मर चुकी है, आओ एक चक्कर लगाकर चलते हैं। थोड़ी दूरी पर आह कोई करार आ राजन, इस वीराने में भीषण करार सुन होश भागता हो गए दोनों के। इस बार उछलने की बारी थी राजन की। आह ये कंकाल करार आया इकबाल। अगले पल भागो इकबाल, आह बंदूक से निकली गोली की भांति भागने लगे वो। एक आंख ठिठक जाना पड़ा उन्हें। ठहरो मेरे निकट आओ, खौफनाक शौर में जादुई आकर्षण छिपा था। न चाहते हुए भी उस भयानक कंकाल खोपड़ी के निकट आना पड़ा उन्हें। कौन हो तुम, ससंदिग्ध गवाह उस भूकंप का जो 200 साल पहले आया। भय से आंखें बार को बुलाई दोनों की, नहीं असंभव। जबकि कंकाल खोपड़ी बदसतूर बोलती रही, मेरी पत्नी जूलिया होनोलुलु जा रही थी अपनी बीमार माँ से मिलने, उसे शिप पर छोड़कर मैं लौट रहा था कि तेज भूकंप से सब कुछ बताता चला गया जॉन का कंकाल। जॉन ने अपनी बात खत्म की, तब तक काफी हद तक सामान्य हो चुके थे राजन इकबाल। ओ तो तब से तुम्हारी आत्मा भटक रही है। हाँ तुम मुझे मुक्ति प्रदान कर सकते हो, कैसे? जमाने भर का दर्द छिपा था कंकाल के स्वर में। जूलिया का स्पर्श पाकर मुक्ति संभव है मेरी। जूलिया वो तो मर चुकी होगी, खूनी भेड़िए सा गुर्रा कंकाल। नहीं मर नहीं सकती मेरी जूलिया। फिर मलबे की कब्र फाड़ डाली उस खौफनाक जो कंकाल ने। जूलिया गुड़ गुड़ तड़ाक, उफ एक टांग टूट गई थी उसकी। लंगड़ी दौड़ लगाई कंकाल ने, तुमने मारा मेरी जूलिया को, भागो इकबाल, उफ किस मुसीबत में फंस गए। इकबाल को जा थामा कंकाल के खूनी हाथ ने। गुर अत्यारे हो तुम, नहीं मौत के गिरफ्त में फड़फड़ा रहा था इकबाल, बचाओ। राजन के सामने मौत का ग्रास बनता जा रहा था इकबाल। नहीं, इकबाल की गर्दन पर दबाव बढ़ाता चला गया कंकाल का हाथ। सहसा आंखें चमक उठी राजन की, जूलिया जिंदा छोड़ दो इसे, ऐसे बात बन सकती है? खूनी पंजे की पकड़ ढीली पड़ गई, किंतु इकबाल को छोड़ा नहीं उसने। उसे यहां लाना होगा तुम्हें, तभी तुम्हारे साथी की मुक्ति संभव है और मेरी भी। यही यहाँ कैसे, मैं तो उसे जानता तक नहीं। वो अपनी मैली कुचैली शर्ट से थोड़ा कपड़ा फाड़ा कंकाल ने और राजन की ओर बढ़ा दिया। ये लो उसकी तस्वीर, पीछे उसका पता लिखा है। उफ ओह की कर्तव्य विमूढ़ हो उठा इकबाल, क्या करूं। फिर एक दृढ़ निश्चय चमक उठा उसके नेत्रों में। हेलीकॉप्टर को संकेत किया उसने, मैं जल्दी लौटूंगा इकबाल, धैर्य रखो। राजन, जॉन तुम्हारा इंतजार करेगा राजन। राजन का कलेजा मुंह को आ रहा था
किंतु उसे जाना पड़ा। 31 संपन्न नगर होनोलुलु। होनोलुलु के होटल लव बर्ड में ठहरा हुआ था राजन। टैक्सी? यस सर। समुंदर सुंदर विहार चलो। तेजी से दौड़ पड़ी टैक्सी और उससे तेज दौड़ रहे थे राजन के विचार। जूलिया तो मिलेगी नहीं, हाँ उसके एड्रेस में उसकी माँ के विषय में जानकारी मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद, लो थैंक यू सर, सुंदर विहार में था वो। फिर यही पता था जूलिया की फोटो के पीछे। ट्रेन ट्रेन। दरवाजा मैरी ने खोला। यस प्लीज, मिसेज जूलिया यहीं रहती है? आश्चर्य से उछलते उछलते बची मैरी। जूलिया, उसे तो मरे हुए 200 साल हो गए। कैसे मरी वो? अपनी बीमार माँ से मिलने यहाँ आ रही थी वो, फिर न जाने कैसे रास्ते में खत्म हो गई। उसी गम में उसकी माँ चल बसी। फिर सरकारी नीलामी में ये मकान हमने खरीद लिया। लेकिन ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? उस पुरानी डायरी से जो इस घर की एक अलमारी में मिली थी। डायरी? अब कहाँ है वो डायरी? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप क्या सीक्रेट एजेंट हैं? जी आप ठीक समझी। ओह, लेकिन वो डायरी तो मैंने आज ही कूड़ेदान में फेंकी है। ओह, तो मुझे आगे दीजिए, मैं देखता हूँ। कूड़ेदान के पास, यहाँ तो मैदान साफ है। तभी, क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? कुछ नहीं, इसका कूड़ा तुम ही साफ करते हो? जी हाँ बाबूजी, अभी तो फेंक कर आया हूँ। देखो मैं सफाई निरीक्षक हूँ, तुम्हारे आजकल बहुत शिकायतें मिल रही हैं। बाबूजी मैं तो रोज सफाई करता हूँ और पूरा कूड़ा केंद्रीय कूड़ेदान में डालता हूँ। कूड़ा कहाँ फेंकते हो तुम? अच्छा जाओ काम करो, मैं जांच करूंगा। जी धन्यवाद भाई साहब। स्वीपर तो नहीं लगता। स्पीकर के जाने के बाद, भाई साहब ये केंद्रीय कूड़ेदान कहाँ है? इस सड़क के आखिरी छोर पर। केंद्रीय कूड़ेदान की ओर चल पड़ा राजन। थोड़ी देर बाद केंद्रीय कूड़ेदान पर खड़ा था राजन। पटेल नगर, ओम विहार। सुअर के मुंह की भांति कूड़ा खंगालने लगे राजन के हाथ। आंखें 1000 वाट के बल्बों की भांति चमक उठी। डायरी उसके हाथ में थी। गुड, गंदी है वरना चूम लेता। तेजी से होटल चल पड़ा वो। थोड़ी देर बाद होटल के कमरे में, 1 जनवरी 1771, मुझे चाहिए 28 अगस्त। डायरी के पन्ने पलटता चला गया राजन। 28 अगस्त 1771, श्याम हो गए, जूलिया नहीं आई, मेरी सांसें थम सी रही है। आह मार्था। अब उसकी आंखें 28 अगस्त वाले पन्ने पर केंद्रित थी। 28 अगस्त 1771, आज मैं बहुत खुश हूँ, कल जूलिया मुझे मिलने आ रही है, उसे देखकर चैन से मर सकूंगी मैं। मार्था। 30 अगस्त 1771, लिखते हुए मेरा हाथ कांप रहा है, जूलिया नहीं रही। क्या, क्यों, कैसे? विक्टर ने कुछ नहीं बताया। हाँ अपना पता दे गया है वो। विक्टर हट, NZ 700 कैपिटल स्क्वायर, मार्था, एक अभागी माँ। 30 अगस्त के बाद डायरी खाली थी, सोच में डूबा था राजन। यानी 30 अगस्त के बाद मार्था चल बची। अगला सूत्र विक्टर के एड्रेस से ही मिल सकता है। डायरी के अनुसार कैपिटल स्क्वायर में रहता था विक्टर। कैपिटल स्क्वायर की ओर चल पड़ा राजन। किराए की बाइक ले ली थी उसने। एक जगह, अरे ये भीड़ कैसी? बाइक रोकनी पड़ी राजन को। ये भीड़ कैसे भाई? एलिना का डांस प्रोग्राम है आज। थिएटर पर लटके बोर्ड पर नजर पड़ी तो भौचक्का रह गया राजन। मशहूर डांसर एलिना, ये तो जूलिया है। विचार मगन खड़ा था राजन। 200 साल बाद भी उतनी जवान? नहीं नहीं ये जूलिया नहीं हो सकती। जेब से जूलिया की फोटो निकाली उसने। कहीं ये उसकी हमशक्ल तो नहीं है? राजन को बड़ी देर से देख रहा था गेट कीपर मीर चंदानी। बेचारा आशिक लगता है एलिना का। राजन को झिंझोड़ डाला मीर चंदानी ने। आशिक भाई शो शुरू हो गया, पोस्टर क्या देखते हो, उसे साक्षात ही देख लो ने। हाँ लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है। कुछ दाना पानी है? हाँ ये लो। थिएटर में,
स्टेज पर किसी को तलाश रही थी राजन की आंखें। निकाहों की तलाश पूरी हुई, वही है, बिल्कुल वही। श्याम को रोक नहीं पाए राजन, स्टेज की ओर बढ़ता चला गया वो। इकबाल को मौत की भाव में छोड़ आया था वो। गार्डों ने रास्ता रोक लिया उसका। ए पागल हुए हो, चलो अपनी सीट पर बैठो। पता नहीं कौन है, मुझे मिस एलिना से मिलना है। वैंग से मुस्कुराए गार्ड। एलिना से तो सभी मिलना चाहते हैं, किस किस से मिलेगी वो? छोड़ो मुझे। ताऊ आ गया गार्डों को उठाकर बाहर बाहर फेंक दो सुसरे को। गर्मी कुछ ज्यादा ही भरी है इसके जिस्म में। अगले पल मीर चंदानी के पाँव में आकर गिरा राजन। धड़ाम। तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ भाई, और अब जा भी रहा हूं। अजीब अहमक है, पैसा दिया मजा नहीं लिया। अहमक मूर्ख। राजन दूसरे ही गुंताड़े फिट कर रहा था। हम इसी गेट से निकलेगी। लंबी प्रतीक्षा के बाद गेट खुला, आ गई। बहुत थक गई। कार में बैठकर फुर्र हो गई एलिना। राजन झपटा अपनी बाइक की ओर। सुनो प्रांत, एलिना के पीछे था राजन। एकाक रियर व्यू मिरर पर नजरें पड़ी एलिना की। ओपिया तो वही है, कोई बिगड़ा आशिक लगता है। गांडीव से निकला तीर बन गई एलिना। अरे बड़ी तेज भागने लगी। फिर पहाड़ी की आड़ में छिप गई एलिना की कार। एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ाती चली गई एलिना। जब पहाड़ी से उस पार पहुंचा राजन, कार नदारद थी। कहाँ गई? असमंजस की स्थिति से बाहर आया राजन। विक्टर के यहाँ चलूं। कैपिटल स्क्वायर की ओर चल पड़ा वो, जहां विक्टर रहा करता था। थोड़ी देर बाद कॉल बेल पुश कर रहा था राजन। आती हूँ बाबा। जैसे द्वार खुला मानो बिजली चमकी हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? ये यहाँ विक्टर। राजन ने अपना आश्चर्य बड़ी मुश्किल से दबाया। जमाने भर का रहस्य छिपा था राजन के स्वर में। मिस्टर विक्टर से मिलना मुझे। उसने आश्चर्य को बड़ी मुश्किल से काबू में लिए हुए थी एलिना, तुम उन्हें कैसे जानते हो? अच्छे कलाकार सिद्ध हो रही थी वो, जबकि विस्फोट पर विस्फोट किए जा रहा था राजन। मिस्टर जॉन और जूलिया को भी जानता हूं मैं। ओह, आओ मेरे साथ अंदर। लो मिलाओ मिस्टर विक्टर से। मुझे मालूम था मिस्टर विक्टर तस्वीर के रूप में ही मिलेंगे, लेकिन तुम कौन हो? जूलिया या एलिना? अभी बताती हूँ। एलिना तेजी से पीछे पलटी, फिर दीवार पर झूलते पर्दे की डोरी खींचती चली गई वो। अब देखो, ये तो तुम्हारे पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट्स के नीचे लगी कागज की पट्टी उखाड़ती चली गई एलिना। अब देखो, विचित्र बात है, राजन के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। पहली बने थे चारों चित्र। सिसकियों से गला रुंध गया एलिना का। फरा मेरी माँ थी, मारिया दादी और जूलिया परदादी। वास्को पर आए भूकंप में मेरे परदादा जॉन मारे गए। माँ का हार्ट अटैक हो गया। मिस्टर विक्टर ने परवरिश की मेरी, दादी मारिया की। सब कुछ छिन गया है हमारा, लेकिन हमारी शक्लें नहीं बदली। मनहूस 28 अगस्त नहीं बदली। राजन के होठ फटफटाए। वह भी नहीं बदली एलिना, जो आज से 200 साल पहले भूकंप की चपेट में आ गया था। क्या? राजन बदसतूर बोलता चला गया। जॉन की आत्मा भटक रही है एलिना, तो तुम उसे मुक्ति दिला सकती हो। सब कुछ बताता चला गया राजन। सुनकर बहके अतिरेक से सूखे पत्ते से लरज उठी एलिना। ये झूठ है, फ्रेब है। नहीं, ये उतना ही सच है जितना चार चार शक्लें एक सी होना। चट्टान से भी सख्त सबर उभर रहा था राजन का। तुम्हें वास्को चलना होगा एलिना, दो लोगों की मुक्ति जुड़ी है तुमसे। इनकार नहीं कर सकी एलिना। अनजाना आकर्षण वास्को की ओर खींच रहा था उसे। वास्को आने पर पैराशूट से नीचे कूदते चले गए दोनों। एलिना को देख खुशी से चीख पड़ा जॉन। जूलिया, मेरी जूलिया। ओह, एलिना को जूलिया समझ रहा था वो। भय से आंखें मूंद ली थी एलिना ने। नहीं, लंगड़ी टांग से एलिना की ओर दौड़ लगा दी लंगड़े कंकाल ने। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी।
भैंस चीखना तक भूल गई एलिना। कंकाल ने बाहु पास में जकड़ लिया उसे। जूलिया। ठीक, अगले पल निष्प्राण होकर गिर पड़ा लंगड़ा कंकाल, धड़ाम। उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। फिर एक और आश्चर्य देखने को मिला वहां। एलिना की शक्ल क्रम से बदलती चली गई। एलिना को पता तक नहीं चला कि उसकी शक्ल बदल गई है। तुम ठीक तो हो ना एलिना? हाँ। फिर जॉन के कंकाल को होनोलुलु लाया गया और सहज सम्मान दफना दिया गया उसे। सुबह तीनों की आंखों के कोर भर गए थे। बाद में एलिना, तुम कह रही थी ना कुछ नहीं बदला, देखो सारी शक्लें बदल गई। हाँ, लेकिन 28 अगस्त नहीं बदला। वह भी बदल जाएगा, मेरा दावा। 28 अगस्त को नहीं मरोगी तुम। थोड़ी देर बाद होठ हिले इकबाल के। जॉन की मुक्ति के लिए ही शायद एक सी शक्लों का सिलसिला अब तक चला आ रहा था। शायद इकबाल को सारा घटनाक्रम बता चुका था राजन। फिर मार्मिक विदाई की बेल आई, आंखें भर आई एलिना की। मैं भूल नहीं सकूंगी तुम्हें राजन, मैं भी। विमान उड़ चला राजनगर की ओर। सारी घटना एक सपने के समान लग रही थी उन्हें। समाप्त। तो दोस्तों, एक कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये कोई ऐड है बिग बबल का? तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।